नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जिनको लेकर के न्यूज है। सभी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका बाइंग प्राइस क्या होगा, कब लिस्टिंग होगी। सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके सो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सारेगामा इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे रिजल्ट कैसा था, टोटल एनालिसिस करेंगे शेयर अभी कैसा है, किस स्थिति में है। या और उसके बाद जो है कंपनी का टेक्निकल एस्पेक्ट, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस, सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करने के बाद हम लोग आपका बाइंग प्राइस क्या आएगा सारेगामा का आफ्टर लिस्टिंग, जब डिजिटाइप डिस्ट्रीब्यूटर का जब लिस्टिंग और डीमर्ज जो रिजल्टिंग कंपनी है जब वो लिस्टिंग के लिए जाएगी, तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में सारेगामा का प्राइस अभी 398 दिखा रहा होगा। जो नई शेयर जो आपके पास आएगी डिजिटाइप डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसका प्राइस क्या दिखाएगा, क्या एडजस्टेड प्राइस होगा, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सारेगामा इंडिया लिमिटेड। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ये है आपका सारेगामा इंडिया लिमिटेड। और आज के दिन में देख सकते हैं इसमें लगभग 3.21% या थोड़ा इससे ज्यादा भी उछाल देखा गया था, लगभग 400 प्राइस इसने टच किया था। सो मार्केट कैप कंपनी का देख सकते हैं 7722 का है, करंट प्राइस 398 का, कंपनी ने हाई बनाया था 466 का, लो है 288 का। स्टॉक का पीए 41.7 और बुक वैल्यू 69.5, बुक वैल्यू से काफी पर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.75, आरओसी 17.6%, ROE 12.8%, आप फेस वैल्यू कंपनी का है 1। और सारेगामा जो है इट्स अ ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी म्यूजिक लाइब्रेरी कंपनी, स्टैब्लिश हुई थी 1902, 1902 में स्टैब्लिश हुई, अर्स्ट वाइल ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया देन एचएमबी। तो इससे पहले ये ग्रामोफोन कंपनी इंडिया ऑफ इंडिया जाने जाती, देन उसका भी एचएमबी हो गया, एंड देन अभी है सारेगामा। द कंपनी इज एमिंग टू बी अ प्योर प्ले कंटेंट कंपनी सपोर्टेड बाय ग्लोबल कंजम्पशन बूम। सिन 2017 सारेगामा हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस अगेन ओइंग टू द लॉन्च ऑफ टू यूनिक इनिशिएटिव, सारेगामा कारवा एंड युडली फिल्म्स। सो अभी काफी सुर्खियों में ये कंपनी है, रिलेटेड टू अभी डिमर्जर को लेकर भी काफी न्यूज में है। सो आगे बढ़ते हम लोग। सो देखिए कंपनी का पॉजिटिव साइड देखिएगा तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी चीज है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके और कंपनी ने डिलीवर किया था गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43.8% सीजर ओवर लास्ट 5 ईयर्स, एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 33.4%। तो डिविडेंड भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। इनका पीयर कॉम्पिटिशन में देखिएगा, देखिए नंबर वन कंपनी में जी एंटरटेनमेंट का नाम आप देख सकते हैं, सेकंड में सन टीवी, पीवीआर एनॉक्स, और फिफ्थ नंबर में अपनी है सारेगामा। ओके सो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, पेयर कंपैरिजन को। हम लोग अभी रिजल्ट को चेक करेंगे, रिजल्ट कैसा आया था। सो दिस इज द रिजल्ट पार्ट, और हम लोग कंपेयर करेंगे जून 2022 को, यानी लास्ट ईयर 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2023 से। ओके कंपनी का सेल्स देखिए 166 से गिर करके 163 हो गया, तो सेल्स में गिरावट है, ध्यान देने की बात है। इस कारण से काफी ऊंचाइयों से भी गिरा है ये शेयर, और आपको मैं दिखाऊंगा अभी कहां से गिर कर आया है। एक्सपेंस कंपनी का 114 से गिर करके 113 हुआ, तो मामूली सी गिरावट है एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52 से गिर करके 50 है, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट, या फिर बोल सकते हैं फ्लैट है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डायरेक्टली हम मूव करते हैं नेट प्रॉफिट, यानी टैक्स हटाने के बाद कंपनी का क्या है, तो 42 से बढ़कर के 43, यानी कंपनी को टैक्सेशन देखिए लास्ट ईयर 26 था, अभी 27 है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का देखिए लास्ट ईयर 56 का था, वो अभी 59 है, यानी नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अगर चेक की जाएगा तो कंपनी प्रॉफिट में चली गई। ओके क्योंकि कंपनी ने अदर इनकम लास्ट ईयर मात्र 10 दिखाया था, अभी कितना है 18 दिखाया, 18। इस कारण से कंपनी का देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया, और इसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का जंप किया है। ओके सो रिजल्ट अगर प्रॉफिट के टर्म में देखिएगा तो अच्छा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन अगर सेल्स के टर्म में चेक कीजिएगा तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। ओके फ्लैटिस रिजल्ट है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन क्वार्टरली को या मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे, देखिए मार्च में 204 204 का सेल्स था, गिर करके 163 है, यहाँ पर रिजल्ट खराब आया क्योंकि सेल्स में काफी बड़ी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49 था लास्ट क्वार्टर में, तो जंप थोड़ा सा इंप्रूव करके 50 हुआ है। सो सेल्स तो डिक्रीज हो गया लेकिन प्रॉफिट में जंप हो गया, जस्ट बिकॉज कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा था मार्च क्वार्टर में, इन्होंने एक्सपेंस को कटौती किया। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58 से बढ़कर के 59 है, और अगर देखिएगा नेट प्रॉफिट तो 44 से गिर करके 43, यानी लास्ट में जाकर के इन्होंने टैक्स देखिए 25% लास्ट मार्च क्वार्टर में लगा था, अभी 27% लगा। इस कारण से देखिएगा ओवरऑल जो रिजल्ट है फ्लैट रिजल्ट है, बहुत खराब रिजल्ट नहीं है अगर नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट के टर्म में देखिएगा तब, लेकिन अगर सेल्स के टर्म में देखिएगा तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिएगा सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ओके सो दिस इज माई व्यू, आप इसमें मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको रिजल्ट आपके सामने रखा हूं, आप भी इसको समझ सकते हैं।
कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट को जरा चेक करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व 1358 है, जो गिर करके 1323 हो गया। अभी टोटल अगर रिजर्व को चेक किया कंपनी का, तो अभी मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा था, अभी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर रिजर्व्स में देखने को मिला, इसको फ्लैट माना जा सकता है। फिक्स एसेट में देखिए यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, फिक्स एसेट में कंटिन्यूअसली कंपनी इंप्रूव करी, 278 से बढ़ करके 338 हुआ है। तो काफी अच्छा है इनका फिक्स एसेट, कंपनी ग्रोथ आपको अपने एसेट में पैसा लगा रही है, ग्रोथ इनका फ्यूचर में दिख रहा है, इसलिए वो पैसा एसेट में लगा रही है। सो दैट्स गुड। कंपनी का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को जरा चेक कर लेंगे, तो देखिए ये बात है, देखिए 58.49 कंपनी का पहले था प्रमोटर का स्टेक, वो बढ़ करके 58.33 हुआ, यानी कंपनी ने, प्रमोटर ने अपना स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पर जून क्वार्टर में, मार्च से जून में बढ़कर। FI 7.70 से बढ़ करके 17.70 से बढ़ करके 17.79 FI का। देन DI 2.43 से गिर करके 2.27, और आपका पब्लिक 21.3 से गिर करके 20.086 सॉरी, अदर्स 0.24 कांस्टेंट है। तो बस एक अच्छी चीज क्या है, प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, एंड बस यही एक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज सब कुछ लगभग फ्लैटिश है, कोई बहुत डरने की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को जरा चेक करेंगे तब। इसके बाद है कंपनी का, अगर आप देखिएगा कंपनी ने सपोर्ट का लाइन जो है अभी करंट कंपनी के लिए है 375, 375 जो है ये लाइन एक सपोर्ट का लाइन काम करेगा, यही सपोर्ट अभी तक काम कर रहा है, और यहां से देखिए फिर से पुल बैक देखने को मिला है। ओके ये डेली चार्ट है, रेसिस्टेंस कंपनी का थोड़ा ऊपर में 440 445 के रेंज में यहाँ पर है, वहां से अदरवाइज कंपनी को अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 410 415 का, बिकॉज ये 20 डे मूविंग एवरेज जो है ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। अगर इसके ऊपर ही चली जाती है, और बस अगर ये ऊपर जाती है और यहां से अगर रिटर्न नहीं होती है, इसके ऊपर ही ट्रेड करने लगेगी, 440 के ऊपर ट्रेड करेगी, तो काफी बुलिश हो जाएगी, और फिर ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा, बिकॉज वहां पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाएगा, मूविंग एवरेज भी चांसेस है कि पॉजिटिव हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ट्रेंड जो है दैट इज नॉट गुड, ट्रेंड अभी भी स्टिल इंटैक्ट नेगेटिव का है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पॉजिटिव नेगेटिव है, एंड आपका मूविंग एवरेज भी नेगेटिव है, ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, बेरिश है। ओके और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया 440 का होगा, 440 के ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर बुलिश हो जाएगी। ओके सो चार्ट अभी बेरिश है बताना चाहूंगा। अभी हम लोग कंपनी का मूव करते हैं टुवर्ड्स, कंपनी ने डिमर्जर की बात किया था, डिमर्जर में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट में जो रहता है डेट जो निकल कर आया था डिमर्जर का, ये आपको बताना चाहूंगा, 27 जुलाई का डिमर्जर का डेट था कंपनी का। और डिमर्जर होने के बाद कंपनी जो रहता है, एक हो गई रिजल्टिंग कंपनी जिसका नाम हो गया डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर, और दूसरी कंपनी है सारेगामा जिसमें अभी आप ऑलरेडी बाय कर रहे हैं। डिमर्जर हो चुकी है, और इसके बाद एक नोटिस आई थ्रू FTSE रसल की तरफ से अनाउंसमेंट है, और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि डिमर्जर जब हो जाएगी कंपनी का, तो इफेक्टिव डेट जो है 27 जुलाई का माना जा रहा है, 27 जुलाई 2023 का इफेक्टिव डेट माना जा रहा है, और 20 दिनों के अंतराल में, 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर में उनको लिस्ट करना जरूरी है। सो लिस्टिंग डेट ऑफ डिजी डायरेक्टर हैव नॉट येट अनाउंस्ड, एंड इट विल रिमेन इन इंडेक्स एट ए स्टैटिक एस्टिमेटेड प्राइस अंटिल इट्स ट्रेडिंग कमेंस ऑन एक्सचेंज। इफ द ट्रेडिंग डे रिमेन्स अननोन आफ्टर 20 बिजनेस डे, FTSE रसल विल रिव्यू द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द FTSE रसल स्पिन ऑफ पॉलिसी। तो अगर 20 ट्रेडिंग डे के अंदर में अगर ये नहीं लिस्ट करती है, तो फिर FTSE रसल जो रहता है, इंडाइसिस का नाम है, इंडेक्स का नाम है, वो रिव्यू करेगी कंपनी को, और उनको मजबूरी है 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर में लिस्ट करने के लिए, आदर उनको कम से कम डेट अनाउंस करना पड़ेगा। ओके अ कैपिटल रिपेमेंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द एंटाइटलमेंट वैल्यू ऑफ डिजिटल डिस्ट्रो विल बी अप्लाइड टू सारेगामा इंडिया ऑन एक्स एंटाइटलमेंट डेट। सो नंबर ऑफ शेयर ऑफ डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर इज बेस्ड ऑन डिमर्ज टर्म्स ऑफ 1 डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर शेयर पर एवरी 5 सारेगामा इंडिया शेयर। तो इन्होंने बोला कि सभी जो जिनके पास एक्स डेट इफेक्टिव डेट 27 जुलाई से पहले जिनके पास 5 सारेगामा का शेयर होगा, उन्हें 1 डिजिटाइव डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर मिलेगा। ओके और इसका ICV क्लासिफिकेशन फॉर डिजिटाइव डिस्ट्रीब्यूटर विल बी यहाँ पर दिया गया नंबर 4030101010 एंटरटेनमेंट। ओके सो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो रसल इंडाइसेस ने बोला है। अभी हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सेल एक्सेल सीट। कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमारा बाइंग प्राइस क्या होगा सबका। ओके सो टेक अ सिचुएशन, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर। अभी हम लोग सबसे पहले जी ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ नहीं चार्ट में चलते हैं। तो चार्ट में जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था रिगार्डिंग आपका सारेगामा, तो फर्स्ट वीडियो वॉज हियर, यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और ये काफी पुराना है, लगभग 360 325 360 से 70 के रेंज में ये ट्रेड कर रही थी इस जगह पर, और वहां से जो रहता है काफी अच्छा
मूवमेंट ऊपर की ओर दिखा गया, जो इसका लेवल जो रहता है, जो आपका पहुंच गया, बिफोर डिमर्जर की बात हो रही है, डिमर्जर 490 तक का मूवमेंट दिखाया। ओके okay? सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस जगह पे ट्रेड लिया होगा उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, और यहाँ पर हो सकता है डिमर्जर से पहले उन्होंने बेच भी दिया होगा। ओके सो अभी हम लोग चलते हैं इस जगह पर। तो अभी मान लीजिए कि आपने, जब मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनाया था, तो 360 या 360 का रेंज में आपने बाई किया। आपने कितना बाई किया? 100 क्वांटिटी, इन्वेस्टेड अमाउंट था आपका 36,000, 36,000। कंपनी ने बोला कि 5 शेयर के बदले में आपको मिलेंगे एक डिजिट ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर येलो देख रहे हैं आप, ये आपको इस जगह पर इस 5:1 का रेशियो। तो आपको अपने 100 शेयर अगर आपके लिए खरीदा तो आपको मिलेंगे 20 शेयर, 20 शेयर आपको मिलेगा। सारेगामा का 100 शेयर है तो 20 शेयर डिजिट ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर का आपको मिलेगा। डिमर्जर डेट से पहले होना चाहिए, याद रखिएगा, 27 जुलाई से पहले होना चाहिए ये डेट। अगर उसके बाद आपने खरीदा सारेगामा शेयर तो आपको नहीं मिलेगा डिजिट ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर, आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इस चीज को। ओके तो उसके बाद जो है ये प्राइस जो रहता है, मान लीजिए आपने 360 में खरीदा, 100 क्वांटिटी है, इन्वेस्टमेंट 36,000, 36,000 का है, अभी चल रहा है 400, उसका प्राइस रहा 100, आपके पास क्वांटिटी, तो आपने कितना पैसा लगाया है? 36,000 जो आपने लगाया था वो बन गया 40,000, और 36,000 हो गया 40,000, आप नेट 4,000 के प्रॉफिट में है। अभी कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया और कंपनी ने बोला कि सारेगामा का जो सारेगामा में जो भी निवेशित है, इन्वेस्टेड है, 27 जुलाई से पहले जिन्होंने बाई करके रखा है, तो उनका जो आपने 36,000 जो लगाया था पैसा, 36,000 अमाउंट जो आपने लगाया था, ये अमाउंट जो रहता है ये डिवाइड हो जाएगा, दो कंपनियों में डिवाइड हो जाएगी। 93.74% चला जाएगा सारेगामा के पास, और डिजिट्राइव के पास चला जाएगा 6.26%। इसके अनुसार आपका बाई प्राइस जो निकल कर आता है, अगर आपने 360 में खरीदा था सारेगामा को, तो आपके अकाउंट में 337 रुपीज 45 पैसा, ये 337 रुपीज कुछ पैसा आपके बाई प्राइस की बात हो रही है, करंट मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही है, जो भी ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा हुआ उसकी बात नहीं हो रही, आपके बाई प्राइस, यानी कि आपने इस प्राइस में इसको, आपके खरीद प्राइस वो दिखाएगा, और डिजिट ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस दिखाएगा 112, 112 या फिर 113 रुपए का अप्रॉक्स में दिखाएगा। क्वांटिटी देख सकते हैं 100 है और ये 20 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो गया 36,000। डिविजन के बाद देखिए ये पैसा कैसे डिवाइड हो गया इस जगह पे, और करंट वैल्यू अभी देखिए 39,000 का, क्योंकि प्राइस चल रहा है 390 का, प्राइस 390 नहीं, मैं इसको चेंज करूंगा, 400 का प्राइस चल रहा है तब। ओके तो प्रॉफिट में आप हैं इस जगह पर, तो आप समझ सकते हैं मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ इस जगह पर। अभी हम लोग फिर से मूव करते हैं। चलिए जैसे आप मान लीजिए आपने डिमर्जर से जब ये काफी ऊपर की प्राइस में तब आपने बाय किया, 360 की जगह आपने इसको बाय किया था 460 में, 465 रुपीज में आपने बाय किया, मान लेते हैं 465 में अगर आपने बाय किया, तो 465 में आपने बाय किया, तब आप समझ जाइए कि आपका 100 क्वांटिटी था, आपने इन्वेस्ट किया 46,500, आपका बाई प्राइस जो है ये देखिए, यहाँ पर आपका सारेगामा का बाई प्राइस 435 या 436 रुपीज दिखाएगा, इतना प्राइस आपको दिखाएगा, और डिजी ड्राइव का प्राइस 145 रुपीज 50 पैसे या 146 रुपीज दिखाएगा। आप इस रेट को देखिएगा इस जगह पे, ओके इस रेट को आप ध्यान से देखिए, तो जिस जिस रेट में आपने बाय किया था उस रेट के अनुसार ये प्राइस डिवाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, फिर से मैं इसको चेंज करता हूं। चलिए आपने इसको बाय किया था 400 425, 425 रुपए में आपने सारेगामा का शेयर खरीदा था, तो देखिए ये 435 जो है ये 398, आपका बाय प्राइस 398 का हो जाएगा, और आप डिजी ड्राइव का प्राइस हो जाएगा 133। इस तरीके से ये प्राइस चेंज करेगा, जिस प्राइस में आपने बाय किया था उस प्राइस के अनुसार इसका बाय प्राइस दोनों का चेंज करेगा, और मैं करंट मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्राइस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहा होगा, यानी कि अभी 399 रुपीज अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, अभी 399 अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा 399 का प्राइस चल रहा है, तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं, और आपका डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस यहाँ पर ये दिखाएगा। लिस्टिंग के लिए अभी लिस्टिंग जब हो जाएगी इसका भी प्राइस यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जो है कंपनी का ये भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर मान लीजिए लिस्टिंग होती है 140 रुपए में, तो आप सोचिए आप फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहिएगा इस तरीके से। ओके सो आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि देखिए लिस्टिंग का प्राइस नहीं, इसलिए मैं लिस्टिंग का प्राइस आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लिस्टिंग होने के बाद जो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि क्या प्राइस किसका क्या होगा, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और जिस दिन लिस्ट हो जाए, जिस दिन लिस्ट हो जाए प्लीज आप कमेंट कीजिए, आप अपना कमेंट जो रहता है इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका प्राइस क्या होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।